हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। CITS ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सब लोग भर चुके हैं, और ऑनलाइन जो आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला था वो आपका डेट दिया गया था NIMI की तरफ से। जो हम लोग का प्रॉस्पेक्टस में था वो डेट था आपका 19 और 20 जुलाई। 19 और 20 जुलाई को आपका CBT टेस्ट होने वाला था ऑनलाइन। लेकिन ये जो है आपको एक नया नोटिस आया है NIMI की तरफ से, जिसमें आपको वेबसाइट में एकदम अपडेट्स की जगह पे आपको दिखाई देगा रेड कलर में, जहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो AICET CBT एग्ज़ाम का जो डेट है वो 19 और 20 को था। ये जो डेट है अभी जो है ये टेंटेटिव कर दिया गया है, यानी कि संभव डेट है, ठीक है। और ये जो डेट है शायद चेंज हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से, इस सिचुएशन के कारण से डेट चेंज हो सकता है। लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है कैंसिल हो गया है। मतलब ये मत सोचना कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है कैंसिल हो गया। तो ये जो है टेंटेटिव हो गया, यानी कि संभव डेट हो गया। अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो नया डेट आपको अपडेट मिल जाएगा कि कौन सा डेट में एग्ज़ाम होगा। और अगर कैंसिल आपका नहीं होता है, अगर कुछ अपडेट नहीं आता है, इसका मतलब आपको सोचना है कि 19 और 20 जुलाई को ही आपको CBT एग्ज़ाम होगा। तो कुछ दिन वेट कीजिए, वेट करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, आपको अपडेट आ जाएगा मैसेज में, और वेबसाइट में भी आपको अपडेट आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है, और नया डेट क्या है, ये सब आपको अपडेट मिल जाएगा। ये था CITS के न्यू अपडेट। और एक सवाल सबके मन में है, कन्फ्यूजन है कि CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस को लेकर कन्फ्यूजन सबके मन में है। तो एंट्रेंस का सिलेबस की कन्फ्यूज़न जो है ज़्यादातर जो है आपका जो है डिप्लोमा और BTEC स्टूडेंट जो है उनके लिए बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो डिप्लोमा और BTEC स्टूडेंट का सिलेबस पता नहीं है, क्योंकि जो लोग ITI कर चुके हैं उनको ITI का सिलेबस लगभग पता है, लेकिन डिप्लोमा BTEC स्टूडेंट का पता नहीं है। और CITS का जो प्रॉस्पेक्टस हम लोग को मिला है उसमें देखिएगा लिस्ट ऑफ CITS ट्रेड एंड एंट्री क्वालिफिकेशन। एंट्री क्वालिफिकेशन में आपको ऐसे हर ट्रेड का आपको देखिएगा यहाँ लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपका एंट्री क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस है। तो मान लीजिए कोई भी सिलेबस हम अगर ओपन करते हैं, जैसे कारपेंटर का इस लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एक नया PDF एक ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका सिलेबस रहेगा CITS का, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ये CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं है। तो ध्यान से याद रखिए, ये जो सिलेबस है CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं है। देखिए इसमें एक कोर्स कंटेंट, और इसमें देखिए प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल, ऐसे आपको दिखाई देगा। तो प्रोफेशनल स्किल जो है ट्रेड प्रैक्टिकल, एंड प्रोफेशनल नॉलेज जो है ट्रेड थ्योरी। तो ये जो सिलेबस है ये CITS कोर्स का सिलेबस, यानी कि आप जो कोर्स करने जा रहे हैं इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, उसका सिलेबस है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं है, ये है CITS का सिलेबस, यानी कि CITS में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा उसका सिलेबस है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है इसको लेकर आपको कन्फ्यूजन है। तो क्या ये CITS का सिलेबस ही जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक सिलेबस है, या फिर NCVT का जो सिलेबस है, यानी कि ITI का जो सिलेबस है वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है? देखिए ITI का जो सिलेबस है वही है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, क्योंकि CITS का सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस है, बहुत सारा न्यू चैप्टर्स है, बहुत सारा न्यू टॉपिक्स है जो आपको ITI में नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप तैयारी करते हो तो इसके ऊपर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग इसको फॉलो मत कीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ से आपको ITI का सिलेबस मिलेगा, वहीं से आपको पढ़ना है। देखिए डेमोस्टेट ये जो है लेसन प्लान, डेमोस्टेट प्लान ये जो है आपका CITS में रहता है, ये ITI में नहीं रहता है।
तो आप थोड़ा बहुत, आपको अगर सिलेबस के बारे में जानना है थियोरी का, तो आपको यहाँ से प्रोफेशनल नॉलेज में थियोरी का सिलेबस मिल जाएगा। थियोरी का सिलेबस जो है लगभग आपका आईटीआई के सिलेबस ही जैसा, थोड़ा सा कुछ चेंजेस है, कुछ नया टॉपिक्स आपको मिल जाएगा सीआईटीएस के सिलेबस में। तो आईटीआई का सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा? आईटीआई का सिलेबस आपको पता करने के लिए आपको एक वेबसाइट में जाना है, वो है आपका dgt.gov.in/cts-detail। तो इसमें जो आपका सीटीएस का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का सेक्टर नेम दिया गया है और ट्रेड नेम दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, ऐसे टाइप का बहुत सारा दिया गया है। तो इसमें देखिए एग्रीकल्चर, ड्रेस मेकिंग देखिए, फैशन टेक्नोलॉजी, ड्राइवर मैकेनिक, मशीन मैकेनिक, ऑटो बॉडी रिपेयर मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, ऐसे बहुत सारा ट्रेड का आपको देखिए, कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है, ये सब आईटीआई का जो सिलेबस है, ठीक है। तो हमको एक स्टूडेंट ने बोला था मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का सिलेबस के बारे में, तो हम इसी के बारे में दिखाते हैं। तो मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का जो सिलेबस है, उसमें अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसे पीडीएफ देखने को मिलेगा। जिसमें आपको देखिए शुरू में है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का सिलेबस है, और ये जो है NSQF Level 5 नया जो सिलेबस है उसके ऊपर है। तो इसमें आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा जो आईटीआई में आपको क्या क्या कराता है, क्या क्या नहीं होता है, तो इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। कोर्स इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग सिस्टम, हाँ, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। और कितना आईटीआई में कितना कितना नंबर का होता है, क्या क्या सब्जेक्ट रहता है, इसके बारे में मिल जाएगा। जैसे सीआईटीएस का सिलेबस हम लोग देखे हैं प्रॉस्पेक्टस में, प्रॉस्पेक्टस में भी आपको सीआईटीएस का सिलेबस का डिटेल्स मिल जाएगा, कितना आपका सब्जेक्ट है, ड्राइंग में कितना नंबर है, टेट थ्योरी में कितना नंबर है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में कितना नंबर है, ऐसे आपको मिल जाएगा। तो ये है आईटीआई का सिलेबस। तो ये देखिए आईटीआई का सिलेबस के अंदर ही आपको आईटीआई का जो प्रॉस्पेक्टस है, इसमें आपको आईटीआई का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे 21 नंबर पेज में देखिएगा, 26 टोटल पेज है, जिसमें आप 21 नंबर पेज में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ट्रेड सिलेबस मिल जाएगा। ट्रेड सिलेबस में देखिए फर्स्ट ईयर में क्या क्या है, तो ऐसे देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन आएगा। तो प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि थ्योरी का सिलेबस आप देख लीजिए, यहाँ जो है यहाँ टोटल आपका थ्योरी का सिलेबस है, और ऐसे सेमिस्टर वाइज आपको दिया गया है, ठीक है। तो राइट साइड में जो है आपका सिलेबस है थ्योरी का, तो थ्योरी का सिलेबस पूरा आप देख लीजिए, और यही सिलेबस अगर आप कवर करते हैं तो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो 70 क्वेश्चन आपका 75 क्वेश्चन रहता है, तो वो लगभग आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आप टोटल जो है सिलेबस है, ये सेकेंड ईयर का भी सिलेबस है, जिसमें आपका टेट थ्योरी जैसे देखिए आर कोइलिंग, इंट्रोडक्शन, ऐसे ऐसे दिया गया है। तो यही जो सिलेबस है, यही आपका सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है, तो इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। यही अगर फॉलो करते हैं तो इसी में से आपको क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, सीआईटीएस का सिलेबस आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोनों ही लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कहाँ से आपको आईटीआई के सिलेबस यानी कि सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड करना है। तो ये जो है आपका सीआईटीएस का जो सिलेबस है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं है, वो जो है आपका सीआईटीएस में क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा उसका सिलेबस है। और एक चीज़ मैं सॉरी बोलना भूल किया कि 70 क्वेश्चन नहीं, 75 क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल रहता है,
तो वही 75 जो क्वेश्चन है आपको आईटीआई के सिलेबस के ऊपर आएगा, सीआईटीएस के सिलेबस के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो सीआईटीएस के सिलेबस आपको ऐसे लिंक मिल जाएगा, तो इस लिंक में क्लिक करके आपको सीआईटीएस का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, सीआईटीएस में क्या क्या पढ़ाया जाता है और कितना मार्क्स, कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स रहता है, इसका डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए हम अभी वेल्डर का सिलेबस, वेल्डर का सीआईटीएस का सिलेबस ओपन किया है, तो इसमें देखिए आपका टेट थ्योरी में टेट थ्योरी है, इसमें देखिए आपका टोटल कितना घंटा पढ़ाया जाएगा ये सब दिया गया है, और यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हैं, टेट थ्योरी में 100 मार्क्स, टेट प्रैक्टिकल में 200, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 50, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल में 200 और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थियोरी में 100, तो टोटल आपका जो है फुल मार्क्स रहेगा 700, जिसमें आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा 200, तो आपका फुल मार्क्स हो जाएगा 900। 900 में आपका पास मार्क है 360 एग्जाम में, और इंटरनल असेसमेंट में यानी सेशनल मार्क्स में आपका 120 लाना है, तो टोटल 900 का आपका सिलेबस रहेगा। तो ऐसे ही हर ट्रेड के लिए अलग अलग आपका सिलेबस रहेगा, तो अपना सिलेबस देख लीजिएगा कि सीआईटीएस में पढ़ने के लिए आपका क्या क्या सिलेबस है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थ्योरी प्रैक्टिकल वर्कशॉप कैलकुलेशन क्या क्या है आपका देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, थैंक यू।